अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है साथियों, कुवैत गवर्नमेंट ने जितनी फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, सभी को बैन कर दिया है। रीज़न आपको पता है, क्योंकि वहाँ पे यूके में जो कोरोना वायरस जो आया नए तरीके का, वो काफ़ी ज़्यादा घातक है, काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। जिसके बाद कुवैत गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने, बहुत सारे देशों ने यूके का फ्लैट को लेकर सारे इंटरनेशनल फ्लैट को फिलहाल अभी एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। पर दोस्तों ये फ्लैट बंद होने के बावजूद भी कुछ देश को लोगों को वहाँ पर फिर अभी भी लाया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अभी भी ओपन है। तो उसमें कौन सी देश है, किन लोगों को लाया जा रहा है, कैसे लाया जा रहा है, ये सारा वीडियो में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि मेरे चैनल पर आप नए हो या फिर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अहम तरीन कुवैत खबर को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जो बैन को लेकर जो अनाउंसमेंट किया गया था वो बिल्कुल सही है, पर दोस्तों कुछ लोगों को लाया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टैंडर्ड कुवैती नागरिक है जो दूसरे देश में अभी फंसे हुए हैं, उन लोगों को दोस्तों वहाँ पे कुवैत वापस लाने की अनुमति मिल गई है। मतलब वो यदि उनका फ्लैट था किसी देश से, तो वो इंटरनेशनल जो कुवैती नागरिक है, स्टैंडर्ड जो कुवैती नागरिक, उन लोगों को लाने की अनुमति मिल गई है। वो आ रहे हैं या जा भी रहे हैं। तो साथियों यदि जो लोग आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि इंडिया के लोग, बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग, जो भी लोग जो कुवैत आना चाहते थे, जो वाया होकर आ रहे थे, जैसे कि वो इंडिया से दुबई आ रहे थे, या फिर ओमान, मस्कट या बैरियट में जो आ रहे थे और वहाँ पर क्वारंटाइन रह रहे थे 14 दिन, क्वारंटाइन रहने के बाद दोस्तों जिनको आने की अनुमति मिली थी, वो लोग भी कुवैत आ सकते हैं। तो यानी साथियों जो भी, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो भी लोग कुवैत में वाया होकर आ रहे थे दूसरे देश होकर, उन लोगों को रोक नहीं किया गया, उन लोग जब चाहे तब आ सकते हैं। पर उसको तो, क्योंकि दोस्तों वो लोग तो पहले से ही क्वारंटाइन है, तो क्वारंटाइन पीरियड जिनका कंप्लीट होगा, 14 दिन का हो गया, जिनका फ्लाइट है दुबई से, ओमान से, मस्कट से, वैरियट से, जहाँ से भी है, तो वो लोग कुवैत में आने के लिए उनको अनुमति दे दी गई है। पर दोस्तों अब सोचो कि नए फ्लैट या नए लोगों को आने की अनुमति अभी इसकी नहीं दी गई। दोस्तों ये 31 दिसंबर के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने कहा 31 दिसंबर तक सभी को अभी इंतजार करना है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो दवाइयाँ जो आई है उन लोगों को देने का सिलसिला वो स्टार्ट हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको वीडियो में कई बार बता भी चुका हूँ कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में सभी को देना स्टार्ट हो जाएगा, किनको दवाई दिया जाएगा, किनको दवाई नहीं दिया जाएगा। तो उसी को देखते दोस्तों वहाँ पे कुवैत गवर्नमेंट ये कह दिया कि अभी नए लोगों को, नए फ्लैट को अभी नहीं चालू किया जाएगा, करीब एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। पर अच्छी खबर दोस्तों ये कि जो भी लोग वाया होकर वहाँ पे आना चाहते हैं, या फिर जो भी लोग वाया होकर आ रहे थे, उन लोग को आने की अनुमति मिल गई है। वो लोग कभी भी आ सकते हैं, जैसे वो आ रहे थे वैसे वो आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी, तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों मैंने एक अपडेट और आपकी बताई थी 2 दिन पहले, साथियों बताया था कि वहाँ पे कुवैत में एक भूकंप आया हुआ था जो 4.4 की स्पीड में आया था, और वहाँ के जो वैज्ञानिकों ने कहा था इसको सावधान रहने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी खबर है साथियों, अब इसको लेकर कोई भी खतरा नहीं है। जो भूकंप दोस्तों आने वाला था वो आकर चला भी गया, टल गया। अभी फिलहाल भी कुवैत के वहाँ पर जो डिपार्टमेंट ने ये क्लियर कह दिया कि अभी कोई भी इसकी खतरा की बात नहीं है, कोई भी संकेत इस पर नहीं आ रही है। इस पर कोई भी यदि कोई अपडेट आती है तो मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर थी साथियों कि वहाँ पर अब कोई भी खतरा नहीं रहा है। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तो मिलते साथियों इसी तरह के कुवैत की जानकारी को लेकर, कुवैत की खबर को लेकर, अपडेट को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर।